दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हाफ इंच का जो पाइपिंग हमने आप देख रहे हैं इस वीडियो में, इस तरह का पाइपिंग किस तरह से सिलाया जाता है, इसका फुल स्टिचिंग हम आपको दिखाएंगे। चलो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। तो पहले अब हम इसका चेस्ट पीस काट लेते हैं इस तरह से, और चेस्ट पीस काटने के बाद में हम आपको चेस्ट पीस लगा के दिखा देते हैं। कोट में पहले चेस्ट पीस लगा लेते हैं। वीडियो को पूरा देखें तभी आपको समझ में आएगा किस तरह से लगाया जाता है, पाइपिंग किस तरह से किया जाता है, इसका हमने अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है। आप वीडियो को पूरा देखें। आपको यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये चेस्ट पीस को ढीला छोड़ना पड़ेगा और कपड़े को थोड़ा टाइट करके यहाँ पर सिलना पड़ेगा ताकि आयरन करने पर ये बराबर में बैठ जाएगा। अगर आप चेस्ट पीस को ढीला छोड़ेंगे तो फिर ज़्यादा लूज हो जाएगा, फिनिशिंग नहीं आएगा। अगर आपको इसी तरह के कटिंग के वीडियोज़, कोट कटिंग, पैंट कटिंग, शर्ट कटिंग और इसी तरह के नए नए वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं, वहाँ पर आपको बहुत सारे कटिंग के वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोट स्टिचिंग, पैंट के कटिंग और बहुत सारे ऐसे वीडियो मिल जाएंगे आपको, जो आपको अच्छा कटिंग मास्टर बना सकता है। आपको सिलाई और कटिंग के बारे में बहुत सारी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से हम आपको आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसके लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी प्रेस कीजिए। अब हम यहाँ से दोनों कांच के बीच में एक निशान लगा लेते हैं और इस निशान को हम आधा इंच, यहाँ तक निशान तक आधा इंच निशान लगा के हम सीधा कटिंग कर लेते हैं इस तरह से। और उसमें फ्यूजिंग भी कर लिया है, पेस्टिंग चिपका के हम इसको सिलने जा रहे हैं। अब सिलाई करके इसको हमने तैयार कर लिया है इस तरह से, दोनों को तैयार करके आयरन भी कर लिया है। आयरन करके आप इसको रख सकते हैं इस तरह से। हम दोनों पल्ला को हम आयरन कर लिया है, इसको इस तरह से साफ करने के बाद में इस तरह से दिखेगा ये। अब हम इसको कट करना है, यहाँ से आपको आधा इंच में एक लाइन ज़्यादा करके काट लेना है, सीधा सीधा करके एक निशान लगा लेना है पहले। और इस तरह से काट लेने के बाद में आप इसको दोनों को एक ही साइज में बराबर करके काट लेना है। अब यहाँ पर हम इसको सामना तैयार करते हैं। यहाँ पर हम डेढ़ इंच का निप्पल लेंगे, डेढ़ इंच में निप्पल बनेगा, इसको कट करेंगे। इस तरह से दिखाई देगा। अब इसका सामना हम जमाने जा रहे हैं। सामना किस तरह से जमाया जाता है आप वीडियो को देखते रहिए।
दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा।